सोलन में संत निरंकारी संस्था ने मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और 147 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान महादान है, या यूं कहे कि जीवन दान है। इसी नेक उद्देश्य को लेकर सोलन में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य पर संत निरंकारी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने किया। रक्तदान शिविर का आरंभ संत निरंकारी संस्था के सदस्यों द्वारा अपने गुरु को याद कर किया गया। इस मौके पर सभी को सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया। शिविर में 147 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संत निरंकारी संस्था के शिमला क्षेत्रीय संचालक इंद्र मोहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों व दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए इस तरह के शिविर लगने से रक्त आसानी से मिलता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान वही लोग करते हैं जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं। आज संत निरंकारी मिशन द्वारा फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया और यहां बढ़ चढ़कर सात संगत सेवा दल के नौजवान बहन भाई चैरिटेबल के बहन भाइयों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान दिया। ये जो रक्तदान शिविर है हमारे पूर्व सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में हर वर्ष सारे देश भर में लगाए जाते हैं, जहाँ निरंकारी अनुयायी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। उद्देश्य ये है कि मानवता के कल्याण के लिए ये रक्तदान दिए जाते हैं कि कोई भी इंसान खून की कमी के कारण उसकी मृत्यु ना हो, जहाँ भी जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको रक्त पूरा मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।